देखो भाई, सौरगम की बात कर रहे हैं। सौरगम को ज्वार भी कहते हैं, सौरगम को ग्रेट मिलेट भी कहा जाता है, सौरगम को चोलम भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ काम की बात पर। सबसे पहले सौरगम का बॉटनिकल नेम क्या कहते हैं इसको? सौरगम बायकोलर। ठीक है भाई, फैमिली क्या है इसकी? पोएसी। पुराना नाम ग्रैमिनी। ठीक है, पोएसी या फिर ग्रैमिनी। ठीक भाई, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? जितने मेज में थे उतने ही इसके अंदर है, 2n=20। ओरिजिन क्या है इसका? इसका ओरिजिन है अफ्रीका। ठीक है भाई, और देखो, ये सौरगम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, मतलब इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है भाई, और देखो, ये C4 प्लांट है। C4 प्लांट का मतलब इसके अंदर C4 साइकिल होती है। C3 साइकिल तो होती है, साथ में C4 साइकिल होती है, और जिन प्लांट के अंदर C4 साइकिल होती है उन्हें कहते हैं C4 प्लांट, और जिसके अंदर C4 साइकिल नहीं होती, सिर्फ C3 साइकिल ही होती है, उसे कहते हैं C3 प्लांट। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है भाई, C4 प्लांट कहते हैं। ठीक, इसके अलावा ये जो सौरगम है इसकी इनफ्लोरोसेंस पर क्वेश्चन आ जाता है। इनफ्लोरोसेंस पर तो सभी के ऊपर क्वेश्चन आता है। इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस का मतलब होता है फ्लावरिंग पोर्शन। फ्लावरिंग पोर्शन प्लांट का वो हिस्सा जहां फ्लावर आता है, उस हिस्से को कहते हैं इनफ्लोरोसेंस। तो इनफ्लोरोसेंस पर सब पे क्वेश्चन आता है, कोई भी क्रॉप हो। जैसे हमने इससे पहले मेज की बात की थी, तो मेज में इनफ्लोरोसेंस क्या होता था? दो फ्लावर थे, मेल और फीमेल अलग अलग थे। मेल इनफ्लोरोसेंस को कहते थे टेसल और फीमेल को कहते थे सिल्क। ऐसे हम लोग गेहूं पढ़ चुके हैं, गेहूं के अंदर जो इनफ्लोरोसेंस था उसे हम ईयर हेड कह रहे थे। ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है इनफ्लोरोसेंस? पेनिकल। ठीक है भाई, इसके इनफ्लोरोसेंस को क्या कहा जाता है? पेनिकल। न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात कर लो। न्यूट्रिएंट कंटेंट 10 से 12% तो होता है प्रोटीन। ठीक है भाई, अब अपन को पता है कि सौरगम एक सीरियल क्रॉप है, मतलब इसमें लाइसिन अमाइनो एसिड कम होता है। लाइसिन अमाइनो एसिड में क्या होता है? ये पुअर होता है, कम होता है। लेकिन इसके प्रोटीन में एक ल्यूसिन अमाइनो एसिड पाया जाता है, और ये ल्यूसिन अमाइनो एसिड अगर ज़्यादा क्वांटिटी में कोई खा ले तो उसे एक बीमारी हो जाती है, और उस बीमारी का नाम है पेलेग्रा। ठीक है भाई, इसको याद रखना कि अगर सौरगम का कंजप्शन कोई ज़्यादा अमाउंट में कर ले, अगर सौरगम को कोई ज़्यादा खा ले तो उसे कौन सी डिसीज हो सकती है? पेलेग्रा। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर ल्यूसिन अमाइनो एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है भाई, 70% होता है कार्बोहाइड्रेट। ये लो, और क्या है? 3% होता है फैट। ठीक है, 3% फैट भी हो गया। और देखो, ये जो सौरगम है ये एक नॉन टिलर प्लांट है, मतलब इसके अंदर भी टिलर्स नहीं आते। जैसे मेज के अंदर टिलर्स नहीं थे, ठीक उसी तरह से इसके अंदर भी टिलर नहीं होते। और देखो, फ्रूट की बात करें, इसको तो आप एक ही बार याद रख लो, जितने भी सीरियल क्रॉप हैं उन सब के अंदर फ्रूट होता है कैरियोप्सिस टाइप का। सिर्फ इसी के अंदर नहीं, कोई सा भी हो, चाहे सौरगम हो, मेज हो, आपका राइस हो,
जिसको हम पैडी भी बोलते हैं, वीट हो, बार्ले हो, कोई भी सीरियल क्रॉप हो, सबके अंदर फ्रूट कौन सा होता है? कैरियोप्सिस टाइप का। ठीक है भाई, देखो इससे थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये पार्ट क्या है इसका? ये पार्ट है इसका क्या? रूट। इसके रूट से एक केमिकल निकलता है और उस केमिकल को कहते हैं सॉर्गिलियम। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं उसको? सॉर्गिलियम। ये सॉर्गिलियम जो है वो एलीलोपैथिक अफेक्ट शो करता है। अब ये एलीलोपैथिक अफेक्ट क्या होता है देखो भाई, जिस फील्ड में इस सॉर्गम की खेती की जा रही है, मतलब उस फील्ड में सॉर्गिलियम होगा, क्योंकि उसके रूट ने एक केमिकल बनाया है जिस केमिकल का नाम है सॉर्गिलियम। मतलब ये सॉर्गिलियम अब उस फील्ड की मिट्टी के अंदर है। अगले सीजन में जब कोई दूसरी क्रॉप हम लगाएंगे तो उस दूसरी क्रॉप पर ये सॉर्गिलियम अफेक्ट करेगा, उसकी ग्रोथ को कम कर देगा, उसी को कहते हैं एलीलोपैथिक अफेक्ट। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई क्रॉप हो, चाहे वो कोई वीड हो। अगर ये वीड की अगर ये एलीलोपैथिक अफेक्ट वीड के ऊपर आ रहा है, अगर ये सॉर्गम वीड की ग्रोथ को सप्रेस कर रहा है, खरपतवार को रोक रहा है, खरपतवार को उगने नहीं दे रहा है, तो इसे हम स्मूदर क्रॉप भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि सॉर्गम को स्मूदर क्रॉप भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सॉर्गम के अंदर एक केमिकल निकलता है सॉर्गिलियम, जो वीड की ग्रोथ को भी रोकता है। मतलब सॉर्गम स्मूदर क्रॉप की तरह भी काम करती है, सॉर्गम एलीलोपैथिक अफेक्ट भी शो करती है, दूसरी क्रॉप की ग्रोथ को भी रोकती है। ठीक है भाई, और देखो ये जो रूट है, इस रूट से एक केमिकल और निकलता है जिसका नाम है साइनोग्लाइकोसाइड, जिसे हम कहते हैं ध्यूरिन, जिसे हम क्या बोलते हैं? ध्यूरिन। सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो साइनोग्लाइकोसाइड है ये इस रूट के अंदर बनता है। अब क्या होगा, कोई मैकेनिकल डैमेज हो जाए, मैकेनिकल डैमेज का मतलब इस प्लांट को कोई हानि पहुंचा दे, कोई इसकी पत्ती तोड़ दे, कोई इसको थोड़ा सा काट दे, किसी भी तरह से इसको मैकेनिकल डैमेज कर दो, या फिर मैकेनिकल डैमेज के अलावा ड्रॉट कंडीशन आ जाए, सूखा पड़ जाए, पानी बिल्कुल ना मिले, या फिर फ्रीजिंग जैसी कंडीशन आ जाए, बहुत अधिक ठंड पड़ जाए, जमाने लायक ठंड पड़ जाए, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो साइनोग्लाइकोसाइड है इसमें से ग्लूकोस लॉस हो जाएगा, इसमें से ग्लूकोस क्या है, बाहर निकल जाएगा, लॉस हो जाएगा, और ये केमिकल कहाँ जाकर इकट्ठा हो जाएगा? लीफ में। मतलब ये जो साइनोग्लाइकोसाइड था वो इस यहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए इनकी पत्तियों में आकर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है भाई, और पत्तियों में आकर ये बना देगा क्या? HCN। कौन सा HCN? तो बन यही गया था, जब ग्लूकोज निकला तब ये HCN ही बन गया था, लेकिन HCN का जो पूर्ण रूप है ये कहाँ आके बनता है? पत्तियों के अंदर। इसी HCN को ही कहते हैं प्रूसिक एसिड। ठीक है भाई, ये जो HCN है इसकी सबसे अधिक मात्रा फ्लावरिंग से पहले पाई जाती है, फ्लावरिंग स्टेज से पहले सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है HCN। इसीलिए फ्लावरिंग से पहले हमें इसे फॉडर क्रॉप की तरह यूज नहीं करना चाहिए। कब? फ्लावरिंग से पहले, इनिशियल स्टेज में इसे फॉडर क्रॉप की तरह यूज़ मत करो। अगर फॉडर क्रॉप की तरह यूज़ करोगे, अपने मवेशियों को खिलाओगे, कैटल को खिलाओगे, तो वो HCN उनके शरीर में जाएगा और उन मवेशियों को, उन कैटल्स को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, और भाई मवेशियों को क्या खिलाना है? उसकी पत्ती ही तो खिलाना रहती है हमको, तो उसकी पत्तियों के अंदर HCN है। तो फ्लावरिंग से पहले कितनी फ्लावरिंग? कहते हैं कि 50% फ्लावरिंग तक, यानी कि 50% फ्लावरिंग के बाद आप इसे फॉडर क्रॉप की तरह यूज़ कर सकते हो। आफ्टर 50% फ्लावरिंग हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ फॉडर क्रॉप। ठीक भाई,
इतनी बात समझ में आ गई क्यों फ्लावरिंग से पहले सॉर्गम को फॉडर क्रॉप की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए, और 50% फ्लावरिंग के बाद HCN का कंटेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। इसकी जो टॉक्सिक लिमिट है ना वो कितनी है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। इस HCN की जो टॉक्सिक लिमिट है सॉर्गम प्लांट के अंदर वो है 200 ppm, इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है भाई। ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, अगर इस मिट्टी के अंदर फॉस्फोरस की कमी हो, मतलब अगर ये फॉस्फोरस डेफिशिएंट है, और या फिर हमने यहाँ पर 2,4-D का एप्लीकेशन किया है, तो HCN का कंटेंट उस केस में बढ़ जाता है। यानी मिट्टी के अंदर फॉस्फोरस की कमी नहीं होने देनी है, और 2,4-D का एप्लीकेशन हमें ज़्यादा नहीं करना है, तो HCN के कंटेंट को हम रोक सकते हैं। और देखो ये जो सॉर्गम है ये ड्रॉट कंडीशन में खुद को एस्टेब्लिश कर सकता है, मतलब ये ड्रॉट कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको कैमल क्रॉप भी कहा जाता है। कैमल मतलब ऊंट, ऊंट का नाम सुनते ही हमें याद आता है क्या, राजस्थान। राजस्थान मतलब जहाँ पानी की बहुत कमी है। राजस्थान का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वहाँ पानी की कमी है भाई, राजस्थान तो राजपूतों का गढ़ रहा है, ठीक है भाई। राजस्थान का इतिहास ही सब कुछ है, इतिहास जिसने राजस्थान का पढ़ा है समझो उसने पूरा इतिहास पढ़ लिया। राजस्थान तो अपने आप में एक अलग ही बात है। तो कैमल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं अपने, ज़्यादातर राजस्थान में पाए जाते हैं। तो कैमल के अंदर खासियत क्या होती है, ये बिना पानी के भी कई दिनों तक रह सकते हैं। तो कैमल जैसी खासियत इस सॉर्गम के अंदर भी होती है, इसीलिए सॉर्गम को कैमल क्रॉप भी कह देते हैं, ठीक है भाई। और देखो वैरायटी के ऊपर बात कर लो, पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला हाइब्रिड कौन सा है, तो भाई सबसे पहला हाइब्रिड सॉर्गम का होता है CSH1 जो 1964 में बनकर तैयार हुआ था। ये भी पूछ लेते हैं कि जो हाइब्रिड वैरायटी बनाई जाती है सॉर्गम के अंदर उसमें कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, तो उसके अंदर टेक्निक यूज़ होती है मेल स्टेरिलिटी, मतलब यहाँ पर हमको मेल स्टेराइल प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, मेल स्टेराइल वैरायटी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये मेल स्टेरिलिटी सिस्टम क्या है इसको हम पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग में इसका टॉपिक आएगा पूरा हमसे पढ़ेंगे, 5 प्रकार की होती है, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो मेल स्टेराइल वैरायटी का यूज़ किया जाता है इसमें हाइब्रिड बनाने के लिए। वो मेल स्टेराइल वैरायटी पर क्वेश्चन आता है, वो मेल स्टेराइल वैरायटी है कम्बाइन काफिर 1, ठीक है, इसको याद रखना, मेल स्टेराइल वैरायटी कौन सी है, कम्बाइन काफिर 1, ठीक भाई। और देखो और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, एरिया के ऊपर बात कर लो, इंडिया के अंदर एरिया के मामले में इंडिया जो है वो अपना फर्स्ट है, वहीं अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन में USA फर्स्ट है और इंडिया जो है वो सेकंड पर है। वहीं अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी में आपका अर्जेंटीना ये फर्स्ट है, ठीक। तो ये तो बात की हमने सॉर्गम के जनरल इंट्रोडक्शन की, अगले वीडियो में आएंगे सीधे इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पर।